Radhe Mere Swamini, Main Radhe Ko Daas, Janam Janam Mohe Dijiyo, Shri Vrinda वनवास राधा तू बड़ भागिनी कौन तपस्या की तीनों लोक के नाथ है सो तेरों आदि जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव जय राधा माधव कुंज जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वन चार यमुना तीर वन चारी यमुना
जय राधा माधव पुण्य विहार
Gopal, 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 Jai Jai Nanda Yashoda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी नाम महादन है अपनो नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी छोड़ यटारी यटा जग की
हमको कुटिया रज माहि बनाने हमको कुटिया रज माहि बनाने टोक मिले रसिकों की सदा और पीबन को यमुना जल पानी टोक मिले रसिकों की सदा और पीबन को यमुना जल पानी हमें औरन की परवाह नहीं अपनी रानी शिरानी तारानी अपनी पुरानी शिराधिकारानी अपनी पुरानी शिराधिकारानी हौ राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ रानी राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम हौ गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय प्रभुपद 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 श्रील प्रभुपद जय प्रभुपद 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 श्रील प्रभुपद जय जय प्रभुपाद 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 नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंद आराध्यो भगवान ब्रजेशतनय तद्दाम वृंदावन रम्या काचिदुपासना ब्रज बधो वर्गेणया कल्पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाण ममलम प्रेमापुमर्तो महा
Shri Chaitanya Mahaprabhu Matmidam Tatradaro Nah Para Shri Chaitanya Mahaprabhu Matmidam Tatradaro Nah Para. Vanshi Vibho Shitkara Navaniradabha Pitambara Darunabhim Bapala Dharoshtha Puranendu Sundara Mukha Aravind Netra Krishnat Param Kimapi Tatva Aham Najani Yontah Pravishmamava Chamimam Prasupta Sanjeevayatyakilasha Tidharasvadana Anyanscha Hastacharana Shravanatvagadi Prananamo Bhagavate Purushayato Kararavinde Napadaravindam Mukharavinde Viniveshayantam Vatasya Patra Shapute Shayanam Balam Mukundam Manasasmara Shri Krishna Govinda Hare Murare Hinath Nara Yanavasude Jihave Pibatsva Mritame Tadeva Govinda Damo Dharmadave Om Namo Bhagavate Vasudevaya Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Shrimad Bhagvatam Skanda 6 Adhyay 1 Shlokramank 20 Atra cha udaharan timam Itihasam puratanam Dutanam Vishnu yamayo
संवादस्तम निबोध में। मधुकान प्रभु आगे आइए, आगे आ जाइए। कान्यकुब्जे द्विजः कश्चित् दासीर्पति यजामिल नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषित बंधक्षे कैतवे शौर्ये गर्हितामृतिमास्थित बिभ्रत कुटुंब शोची यातयामास देहिना एवं निवस्यतस्तस्य लालयानस्य तत्सुता कालोत्यगान महाराजन् अष्टाशीत्यायुष समा तस्य प्रवयसः पुत्रा दश तेषां तु यौवनम् बालो नारायणो नाम्ना पित्रोश्च दयितो भृशम् सबद्धहृदय तस्मिन् अर्भके कलभाषिणे निरीक्षमाणस्तलीला मुमुदे जरटो भृशम् भुञ्जान् प्रपीबन् खादन् बालकं स्नेहयन्त्रित भोजयन् पाययन् मूढो न वेदागतमन्तकम् स एवं वर्तमानज्ञो मृत्युकाल उपस्थिते मतिं चकार तनये बाले नारायणाहये सपाशहस्तान्तीं दृष्ट्वा पुरुषानतिदारुणा वक्रतुण्डानूर्ध्वरोम्ण आत्मानं नेतुमागता अन्तिमम् इतिहासं पुरातनम् दूतानां विष्णुयमयो संवादस्तं निबोध मे। जय जय श्री
Radha Ramana Jaya Jaya Navala Kishore Jaya Gopi Chita Chora Prabhu Jaya Jaya Makhana Chora Sri Krishna Chandra Bhagavan Ki Srila Prabhupada Ki Hare Krishna. आप सब भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ की ओर से प्रस्थापित श्रीमद् भागवत कथा के पंचम दिवस में हार्दिक स्वागत करते हैं. आज परम पवित्र दिन है. आज होली का पवित्र अवसर है और अनेकों लोग यहाँ पर आए हैं. विशेष करके मधुकांत प्रभु आए हैं जुहू से, बोरीवली से लाधाराम प्रभु आए हैं और भी दहीसर विरार अनेकों क्षेत्रों से भक्त उपस्थित हुए हैं. सभी भक्तों का हृदय से हार्दिक स्वागत करते हैं. गत सत्रों में श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को नरक से बचने का बहुत सुंदर उपाय बताए. सर्वप्रथम नरक का वर्णन हुआ. उस नरक में जाने से बचने के लिए जिज्ञासा की गई. अनेकों साधनों का वर्णन करते हुए अंत में श्री सुखदेव गोस्वामी ने नरक से बचने के लिए, सभी पापों से मुक्त होने के लिए और पापों की वासना से, पापों की वृत्ति से मुक्त होने के लिए, और इतना ही नहीं भगवत धाम को प्राप्त करने के लिए गत सत्र में बहुत सुंदर उपाय बताया. और वह उपाय है भगवान के नाम का संकीर्तन करना. श्री सुखदेव जी ने कह दिया कि भगवान के नाम का कीर्तन करने से व्यक्ति वैसे ही सभी पापों से मुक्त हो जाता है जैसे सूर्य उदय होने से कोहरा मुक्त हो जाता है. केचित केवलिया भक्त्या वासुदेव परायण अगम गुणवंती कार्सियन निहारम इव भास्कर. अनेकों श्लोकों के माध्यम से श्री सुखदेव गोस्वामी ने हरिनाम की महिमा प्रस्तुत की और भगवान श्री कृष्ण की यह भक्ति का मार्ग निर्धारित किया. यहां तक कह दिया न तथा यगवान राजन पुएत तप आदि भी कृष्णार्पित प्राणा तत्त पुरुष निषेवया. जिन्होंने अपना प्राण भगवान श्री कृष्ण में अर्पित कर दिया है, जो अपना प्राण भगवान श्री कृष्ण को दे चुके हैं, ऐसे भक्त की सेवा करने से हृदय जितना पवित्र होता है उतना अन्य साधनों से नहीं होता है. न तथा यगवान राजन पुएत तप आदि भी, अन्य तप आदि से उतना हृदय शुद्ध नहीं होता है जितना तत्पुरुष निषेवया, जितना उस पुरुष भगवान श्री कृष्ण के भक्तों की सेवा करने से शुद्ध हो जाता है. एक श्लोक में सुखदेव गोस्वामी ने भक्तों की सेवा का वर्णन, सेवा की महिमा का वर्णन किया. भगवान की सेवा करो, भगवान मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे.
परंतु कब मिलेंगे इसका कोई भरोसा नहीं है। भगवान की सेवा करेंगे भगवान मिलेंगे ये निश्चित है, परंतु कब मिलेंगे इसका कोई भरोसा नहीं। परंतु यदि भक्तों की सेवा करते हो तो निश्चित रूप से भगवान तुरंत मिल जाते हैं। भक्तों की सेवा करनी चाहिए। परम पूज्य राधा राधानाथ स्वामी एक बार बता रहे थे, कृष्ण की सेवा करना ये कोई बड़ी चीज नहीं है। प्राय संसार में लोग कृष्ण की सेवा कर लेते हैं और नहीं करेंगे तो डंडे मिलेंगे। कृष्ण की सेवा करना कोई बड़ी चीज नहीं है, कृष्ण के भक्तों की सेवा करना ये सबसे बड़ी चीज है। यदि कोई कृष्ण की सेवा करे और उनके भक्तों की सेवा न करे तो भगवान कभी भी प्रसन्न नहीं होते हैं। भागवत में भी यह कहा गया है, भगवान कहते हैं साधव हृदय मह्यम, साधु जो है मेरे हृदय में रहते हैं। अर्थात साधु जो है भक्त जो है भगवान के हृदय हैं, हार्ट है। यदि कोई ऐसा दावा करे कि मैं कृष्ण से प्रेम करता हूं लेकिन कृष्ण के हृदय से प्रेम नहीं करता हूं, भक्तों की सेवा नहीं करने वालों का ऐसा ही होता है। कृष्ण की सेवा कर लेते हैं परंतु कृष्ण के हृदय जो है उनके भक्त, उनकी सेवा न करने से कृष्ण की कृपा नहीं मिलती। इसलिए श्री सुखदेव जी ने बहुत सुंदर यहां पर वर्णन किया 16वें श्लोक में। सागर 16वां श्लोक दिखाइए। न तथा यज्ञवान राजन पुयेत तप आदि भी यथा कृष्णार्पित प्राण तत्पुरुष निषेवया। श्लोक दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन पर। कहते हैं न तथा यज्ञवान राजन, हे राजन पुयेत तप आदि भी, तप इत्यादि साधनों से व्यक्ति इतना पुयेत माने पवित्र नहीं हो सकता है जितना तत्पुरुष निषेवया अर्थात भक्तों की सेवा करने से वह पवित्र होता है। तो भक्तों की सेवा करने से भगवान तुरंत मिल जाते हैं। श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंद में मन्वंतर की कथा सुनाते हुए श्री सुखदेव गोस्वामी गजेंद्र की कथा सुनाते हैं। स्वर्ग में गजेंद्र नाम का एक हाथी रहता था और वह हाथी पूरे जंगल का राजा था। एक दिन उस गजेंद्र हाथी की अनेकों पत्नियां थी, हथनियां थी और अनेकों बच्चे भी थे। गजेंद्र जब रास्ते से चलता था अपनी सभी पत्नी और बच्चों को साथ में लेकर चलता था, और जब गजेंद्र उस जंगल में निकलता सभी हिंसक पशु अपनी अपनी गुफाओं में जाकर छिप जाते। ऐसा गजेंद्र अपनी सभी पत्नी और बच्चों के साथ विचरण करने निकला। कहते हैं इतना तेज गति से दौड़ रहा था पूरी धरती कांप रही थी, ब्रह्मांड डोल रहा था और विचरण करते करते घोर वन में चला गया। गर्मी के दिन थे, सूर्य तप्त था। स्वर्ग में तीन पर्वत है जिसे त्रिकुट पर्वत कहा गया है। उस पर्वत की तीन शिखा है बिल्कुल चांदी और सोने की तरह चमक रहे हैं। सूर्य का ताप उस पर्वत के ऊपर आता है, उसका रिफ्लेक्शन स्वर्ग में भूमि पर गिरता है। सूर्य के ताप से उस पर्वत के ताप से गजेंद्र तप्त हो चुका था, उनको प्यास लगी।
और पानी पीने के लिए गजेंद्र एक बहुत सुंदर सरोवर के पास पहुंच गया। सरोवर देखकर प्रसन्न हुआ और गजेंद्र ने अपनी पत्नी और बच्चों को कहा, तुम लोग यहां बाहर अंदर खड़े रहो, मैं जरा बाहर जाकर अर्थात सरोवर में जाकर जल लेकर आता हूं। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, ये मात्र गजेंद्र की कथा नहीं, ये संसार के सभी गृहस्थों की कथा है। और हम भी यदि सोचे तो यही सीन हमारे जीवन में बार बार होता है। हम ट्रेन से कहीं जा रहे हैं पत्नी और बच्चों के साथ और प्यास लग गई, तो स्टेशन आता है, बच्चे और पत्नी ट्रेन में बैठे रहते हैं, वह आदमी नीचे उतरता है, कुछ भोजन लेके आता है, पानी लेकर आता है, पत्नी बच्चों को बाहर रखा, खुद गया सरोवर में, अपनी सूंड में जल उठाया, पत्नी को पिलाया, बच्चों को पिलाया और गजेंद्र ने वह जल स्वयं पिया। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, यहां तक तो सब कुछ ठीक था, क्योंकि एक गृहस्थी को अपने अपने कर्तव्य करने चाहिए, परंतु जरूरत से ज्यादा कर्तव्य मौत को निमंत्रण देते हैं। गजेंद्र ने यहां तक अपना कर्तव्य निभाया, सबको ऐसे कर्तव्य निभाना चाहिए, परंतु अब गजेंद्र जल स्वयं पिया, पत्नी बच्चों को जल पिलाने के बाद वह खेलने लगा, उस सरोवर के जल को उठा उठा कर अपने बच्चों पर फेंकने लगा, छोटे छोटे बच्चे नाचने लगे और पुनः बारंबार जल उठाकर अपनी पत्नियों के ऊपर फेंकने लगा। पत्नी भी पति के साथ आनंद लेने लगी। तो इस प्रकार जब गजेंद्र जल उठा उठाकर फेंक रहा था, गजेंद्र का बहुत मोटा तगड़ा शरीर था, बार बार तुरंत उस सरोवर से जल उठाते हुए उस सरोवर का जल आंदोलित होने लगा। उस सरोवर की गहराई में एक मगरमच्छ रहता था, एक बहुत बड़ा ग्राह रहता था। वह ग्राह ने देखा, मेरे घर में आकर कोई मेरे ही जल को आंदोलित कर रहा है। तुरंत वह ग्राह नीचे से ऊपर आया और गजेंद्र के पांव को पकड़ लिया। वह ग्राह गजेंद्र को खींचता गया। पहले तो गजेंद्र को कोई एहसास नहीं हुआ। गजेंद्र ने अपने पांव को हिलाया, परंतु ग्राह की पकड़ बड़ी मजबूत थी। ग्राह ने गजेंद्र को नहीं छोड़ा। जब बार बार छुड़ाने पर भी ग्राह ने गजेंद्र को नहीं छोड़ा, तब गजेंद्र का खेलना बंद हो गया और धीरे धीरे करके वे ग्राह गजेंद्र को खींचने लगा। गजेंद्र को पसीना निकलने लगा, चिल्लाने लगा। ग्राह और गजेंद्र के बीच में घमासान युद्ध हुआ। भक्तों, यद्यपि गजेंद्र बलवान था, सुखदेव जी कहते हैं, स्थानम प्रभावम न बलम प्रभावम। यदि ऐसे हजारों ग्राह भूमि के ऊपर मिल गए होते तो गजेंद्र एक ही सेकंड में सबको उड़ाकर फेंक दिया होता, परंतु क्या करे, अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। गजेंद्र उस ग्राह के घर पे फंसा था, इसलिए ग्राह की शक्ति बढ़ रही थी, गजेंद्र की शक्ति घट रही थी। अब जब पतिदेव इस प्रकार से मरने जा रहे हैं, मरणासन स्थिति को प्राप्त हो चुके हैं, गजेंद्र की सारी पत्नियां रोने लगी, सारे बच्चे रोने लगे। सुखदेव जी याद कराते हैं, यथा गृही, जैसे गृहस्थी में रहने वाला मनुष्य जीवन भर अपने पत्नी और बच्चों की सेवा करता है, पत्नी और बच्चों के साथ खेलता है, लेकिन एक दिन काल की चोट लगती है, काल रूपी ग्राह उसे पकड़ लेता है, छुड़ाने पर भी छुड़ता नहीं। उस समय उस आदमी के बच्चे डॉक्टर को बुलाते हैं, डॉक्टर साहब आइए और हमारे पिताजी को जीवित कर दीजिए। यहां पर सारी पत्नी और बच्चे गजेंद्र को बचाने का पूर्ण प्रयास कर रहे हैं।
एक के बाद एक खड़े रह गए और बहुत बड़ी चेन बनाई और गजेंद्र को अंदर से खींचने का प्रयास। लेकिन भक्तों, ये काल की चोट इतनी क्रूर है कि इससे कोई बच नहीं सकता है। इसलिए तो गुजरात के एक संत ने गाया है, कठण चोट छे कळनी रे मरण मोटे रोमा, कैक राजा ने कैक राजा हे मेली चाला छे संसार, हे ते हरी नो रस पी, हे ते हरी नो रस पी। कठण चोट छे कळनी रे मरण मोटे रोमा, कैक राजा ने कैक राजिया हे मेली चाला छे संसार, हे ते हरी नो रस पी, हे ते हरी नो रस पी। ये काल की चोट जो है बहुत मजबूत है। एक बार काल रूपी ग्रह ने किसी को पकड़ लिया तो पूरी दुनिया मिलकर भी उसे छुड़ा नहीं सकता। एक आदमी अपनी पत्नी की कितनी भी सेवा करे, पुत्र की सेवा करे, समाज की सेवा करे, देश की सेवा करे, लेकिन काल जब उस आदमी को पकड़ लेता है पूरी दुनिया मिलकर भी उसे बचा नहीं सकती। मौत के मुख में फंसे हुए व्यक्ति को पूरी दुनिया भी मिलकर बचा नहीं सकती। इसलिए भक्तों, इस संसार में अपने कर्तव्य निभाने चाहिए, परंतु मृत्यु जैसे भय से यदि बचना चाहते हो तो भगवान का भजन करना चाहिए। संसार के लोग मृत्यु से नहीं बचा सकते, मौत से नहीं बचा सकते। इस दुनिया में मृत्यु से कोई नहीं बचा। सहस्त्र बाहु दश वदन आदनी तो बचे न काल बलीते, हम करी धन धाम सवारे अंत अंत चले उठ रीते। भक्तों, इस संसार में इतिहास में एक से एक लोग आए। दस दस मस्तक वाला रावण बहुत बड़ा पराक्रमी था, शक्तिशाली था। दस दस मस्तक थे रावण के, परंतु एक ना एक दिन उसे भी जाना पड़ा। कार्तवीर अर्जुन जिसकी 1000 भुजा थी, सहस्त्र बाहु, परंतु उसे भी एक ना एक दिन काल के मुख में जाना पड़ा। सहस्त्र बाहु दश वदन, ये एक से एक लोग आए, आखिर सबको मरना पड़ा। तो भक्तों, हम कौन सी बड़ी चीज है, हमें भी एक ना एक दिन मरना है, परंतु मृत्यु रूपी भय से यदि बचना चाहते हैं कृष्ण का भजन करना चाहिए। यहां पर गजेंद्र पूरे जंगल का राजा था। हम तो इस दुनिया के राजा नहीं, दुनिया में एक एशिया खंड, एशिया में भारत, और भारत में महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में मुंबई, मुंबई में माटुंगा, माटुंगा में एक छोटा सा मोहल्ला, उस छोटे के मोहल्ले में छोटी सी सोसाइटी, उस छोटी सी सोसाइटी में एक छोटी सी 10x10 की खोली, वह भी भाड़े की। क्या अभिमान करेंगे हम लोग, एक से एक लोगों को मरना पड़ा। तो आखिर एक ना एक दिन मरना है, भगवान का नाम लेना चाहिए। गजेंद्र को बचाने का बहुत लोगों ने प्रयास किया लेकिन नहीं बच पाया, और वह ग्रह उसे खींचते हुए बीच तालाब में लेकर गया, बीच सरोवर में लेकर गया, और गजेंद्र धीरे 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 डूबता गया। ग्रह और गजेंद्र के बीच में युद्ध होते हुए 1000 वर्ष बीत गए। 1000 वर्ष तक ये दोनों लड़ते रहे। यहां तक इस युद्ध को देखने के लिए आकाश में देवता प्रकट हो गए।
देवतागण प्रकट होकर देखने लगे ये हो क्या रहा है। कभी कभी मैं सोचता हूं 1000 वर्ष तक देवताओं ने देखा ये दोनों झगड़ रहे हैं, एक को तो आगे आगे छुड़ाना था, लेकिन कुछ लोग का स्वभाव होता है ऐसी चीज देखने में बड़ा आनंद आता है। रास्ते में कोई झगड़ रहे हैं तो कहते हैं दो और दे, मेरे नाम से दे दो, मैं बैठा हूं ना, फिर जब जरूरत पड़ती है तो ये भाग जाता है। दूसरों का झगड़ा देखने का आनंद। देवता लोग 1000 वर्ष से देख रहे थे, युद्ध चला, परंतु ग्राह की पकड़ बड़ी मजबूत थी, उसे खींचते हुए बीच तालाब में लेकर गया। अब गजेंद्र का मात्र मस्तक बचा है, अब गजेंद्र को डूबने के लिए बस एक घड़ी बची है, बस एक ही झटके में ग्राह उसे खींचे, गजेंद्र डूबे, पूरा शरीर डूब चुका है, मात्र मस्तक बाकी था। जैसे ही ग्राह उस गजेंद्र को डुबाने जाए, उसी समय सुखदेव गोस्वामी ऐलान करते हैं, गजेंद्र को पूर्व जन्म का स्त्रोत याद आ गया। एवं व्यवस्थितो बुद्धिया समाधाय मनोरिधि जजाप परमम जाप्य प्राक जन्म अनुशिक्षितम। गजेंद्र को पूर्व जन्म का स्त्रोत याद आ गया और उस मरते समय उस हाथी को भगवान की याद आई और वह हाथी भगवान को पुकारने लगा। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। आइए। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। कुछ लोग कहेंगे हम लोग क्यों गाए, फंसा तो गजेंद्र है, भक्तों गजेंद्र फंसा है, हम भी फंसे, गजेंद्र पूरा फंस चुका है, कुछ लोग आधे फंसे हैं, कुछ लोग फंसना शुरू हुए हैं और कुछ लोग 80% फंस चुके हैं। सब लोग काल के मुख में फंसे हुए हैं, काल हमको पूरा चबा जाए मार डाले, उसके पहले गजेंद्र के साथ भगवान को याद कीजिए। सुरदास जी ने बहुत सुंदर पद लिखा है। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। नीर पीवन हे तू गयो सिंधु के किनारे। नीर पीवन हे तू गयो सिंधु के किनारे। सिंधु बीच बसत ग्रा चरण धरी पचारे। सिंधु बीच बसत ग्रा चरण धरी पचारे। चार प्रहर युद्ध भयो लै गयो मजदारे। चार प्रहर युद्ध भयो लै गयो मजदारे। नाक कान डूबन लागे कृष्ण को पुकारे। नाक कान डूबन लागे कृष्ण को पुकारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे।
हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे गजेंद्र मरणासन स्थिति में मृत्यु के समय भगवान को पुकार रहा है हे गोविंद हे गोपाल आप मेरी रक्षा करें कई बार इस संसार में मनुष्य को विश्वास नहीं होता कि हम यहाँ पर भगवान का नाम लेंगे और वैकुंठ में रहने वाले भगवान को हम जो बोल रहे हैं वो सुनाई देता होगा यहाँ पर भगवान का नाम लेने से वहां पर भगवान को कैसे सुनाई देता होगा भक्तों आज एक हाथी जब भगवान को पुकार रहा है और इस हाथी के शब्द को भगवान सुन रहे हैं हम तो मनुष्य हैं सुरदास जी लिखते हैं जब गजेंद्र जी इस प्रकार से भगवान को पुकारने लगे द्वारिका में शब्द गयो शोर भयो बारे गजेंद्र जी के मुख से निकले हुए शब्द जन लोक मर लोक तप लोक सिद्ध लोक ब्रह्म लोक को पार कर दिए इस ब्रह्मांड के आवरण को भेद कर आध्यात्मिक जगत में वैकुंठ में द्वारिकापुरी में भगवान श्री कृष्ण के कान में गजेंद्र के शब्द चले गए द्वारिका में शब्द गयो शोर भयो बार द्वारिका में शब्द गयो शोर भयो बारे द्वारिका में शब्द गयो शोर भयो बारे द्वारिका में शब्द गयो शोर भयो शंख चक्र गदा पद गरुड़ लय आ शंख चक्र गदा पद गरुड़ लय सिधारे हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे 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 कार गजेंद्र ने मरते समय भगवान को याद कर लिया और गजेंद्र से मुख से निकले हुए शब्द वैकुंठ में चले गए द्वारिका में भगवान के कान में ये शब्द चले गए उस समय भगवान श्री कृष्ण सोने के सिंहासन पर विराजमान थे रुक्मणी जामवती सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण की सेवा कर रही थी और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण के कान में गजेंद्र जी के शब्द गए भगवान के आठों अंग फड़कने लगे और उसी समय भगवान श्री कृष्ण उस द्वारिका से गजेंद्र की रक्षा करने के लिए निकल पड़े और उस समय भगवान श्री कृष्ण कूद पड़े गरुड़ जी आए प्रभु आप मेरी पीठ पर बैठ जाइए मैं आपको तुरंत पहुंचा दूंगा परंतु भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गरुड़ मेरे भक्त की रक्षा करने में आज तुम्हारी गति मुझे मंद लग रही है भगवान श्री कृष्ण द्वारिका से निकल रहे हैं गजेंद्र की रक्षा करने के लिए उस समय रुक्मणी ने पूछा प्रभु प्रभु आप कहां जा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए इतने उत्कुंठ हैं इतने लोलुप हैं रुक्मणी ने पूछा प्रभु कहां जा रहे हैं
उस समय भगवान श्री कृष्ण उत्तर दे रहे हैं, मैं हाथी के पास जा रहा हूं। परंतु भक्तों, भगवान इतनी जल्दी वहां पर आए कि भगवान के मुख से निकला हुआ हा, भगवान ने जब हाथी बोला तब हा हा द्वारिका में निकला, और थी बोलते बोलते तब तो हाथी के पास पहुंच गए। भगवान श्री कृष्ण गरुड़ के ऊपर सवार होकर शंख चक्र गदा पद्म पीताम्बर कौस्तुभ मणि धारण किए हुए प्रकट हो गए, और हाथ में सुदर्शन चक्र धारण किया, सर्वप्रथम ग्राह का मस्तक काट दिया और तुरंत गजेंद्र को अपने गरुड़ के ऊपर बिठाकर वैकुंठ धाम लेकर चले गए। हे गोविंद हे गोपाल जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। आज एक हाथी भगवान का नाम लेकर भगवान के धाम में चला गया। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज भगवान का नाम लेकर एक हाथी भगवान के धाम में चला गया। जब हाथी भगवान का नाम ले सकता है तो हम तो मनुष्य हैं। भाव से गाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण चंद्र भगवान की द्वारिकाधीश की। गजेंद्र के पुकारने पर भगवान श्री विष्णु आए और उनकी रक्षा किए। किस प्रकार से रक्षा किए ध्यान से सुनिए। कृष्ण गरुड़ के ऊपर सवार होकर आए, सुदर्शन चक्र धारण किया, ग्राह का मस्तक काट दिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं ग्राह का मस्तक काटा और ग्राह तुरंत गंधर्व रूप धारण करके भगवान के धाम में चला गया। और जब ग्राह का उद्धार हुआ उसके बाद गजेंद्र ने देखा भगवान आए हैं,
और भगवान ने मेरी रक्षा की, गजेंद्र ने भगवान को स्तुति की, और स्तुति करने के बाद भगवान विष्णु गजेंद्र को गरुड़ पर बिठाकर चले गए। हम भागवत कथा करते हैं तो छठे दिन राम कथा करते हैं, और प्राय कई बार राम कथा करते हैं तो रावण को बहुत बढ़िया मारते हैं। किसी ने पूछा, प्रभु आप रावण को इस प्रकार से मारते हो, और जब देखता हूं तब तो आपकी कथा में आप रावण को मारते हो, आप जानते नहीं रावण ब्राह्मण था, आपको रावण को मारने का पाप नहीं लगेगा? मैंने कहा रावण को मारने का पाप लगेगा, लेकिन जितनी बार रावण को मारते हैं उससे ज्यादा भगवान का प्राकट्य भी कराते हैं। खैर, तो क्रम इस प्रकार से था, और फिर गजेंद्र का उद्धार हुआ। अब यहां पर एक बहुत सुंदर प्रश्न भागवत श्रोताओं के लिए हो रहा है, जिन्होंने ध्यान से कथा सुनी है उसके मन में यह प्रश्न हो सकता है, पूर्व जन्म में स्त्रोत को याद करने वाला गजेंद्र था, इस जन्म में मृत्यु के संकट में फंसने वाला गजेंद्र, भगवान को पुकारने वाला गजेंद्र, भगवान का नाम लेने वाला गजेंद्र, साधना करने वाला गजेंद्र, लेकिन गजेंद्र के पहले ग्रह का उद्धार हो गया। समझ में आ रहा है? ग्रह ने क्या किया था? कुछ नहीं, सारी मेहनत सारा काम तो गजेंद्र ने किया था, परंतु भगवान जब आए तो पहले गजेंद्र का उद्धार करना चाहिए, परंतु गजेंद्र के पहले भगवान ने ग्रह का उद्धार किया और बाद में गजेंद्र का उद्धार किया। ऐसा क्यों? तब सुखदेव गोस्वामी उत्तर देते हैं, ये बात सत्य है कि सारी मेहनत गजेंद्र ने की थी, ये बात भी सत्य है कि भगवान को पुकारने वाला गजेंद्र, भगवान को स्तुति करने वाला गजेंद्र, सब कुछ गजेंद्र ने किया, फिर भी ग्रह का उतार पहले इसलिए हुआ क्योंकि ग्रह ने गजेंद्र के चरण को पकड़ के रखा था, भगवान के शुद्ध भक्त के चरण को ग्रहण करके रखा था। जो व्यक्ति भगवान के भक्त के चरण को पकड़ लेता है ना, वो सबसे पहले भगवान के धाम को प्राप्त करता है। यही बात इस श्लोक में कही गई है, न तथा यज्ञवान राजन पुयेत तप आदि भी यथा कृष्णार्पित प्राण तत्पुरुष निषेवया। भगवान के शुद्ध भक्तों की सेवा करने से भगवान तुरंत मिल जाते हैं। ग्रह ने कुछ नहीं किया था, गजेंद्र जैसे भक्त की सेवा की थी, तो गजेंद्र की सेवा करने से ग्रह पहले भगवान के धाम में चला गया। इसलिए भक्तों, किसी महात्माओं की सेवा करना ये बहुत बड़ी भक्ति है, बहुत बड़ा कार्य। रामायण में भी एक बहुत सुंदर कथा आती है, शबरी नाम की एक महिला जिनका जन्म शबर कुल में हुआ था, उनके विवाह के दिन अनेक पशुओं को बकरों को बांध कर रखा था। शबरी ने अपनी मां को पूछा, मां ये सब क्या है? शबरी ने कहा, बेटा कल तुम्हारा विवाह है और हमारी कुल परंपरा है बरातियों का स्वागत मांस खिलाकर किया जाता है। देवी शबरी ने सोचा कि मेरे एक के कारण, मुझ एक जीव के कारण इतने जीवों की हत्या, मैं शादी नहीं करूंगी, और उसी समय शबरी अपने घर को छोड़कर चली गई, गौर वन में प्रवेश कर गई। उस वन में मातंग ऋषि का आश्रम था, वहां निकट एक वृक्ष के नीचे रहती थी मातंग ऋषि। उनके शिष्य सुबह भोर में जगे, उनके पहले शबरी उस आश्रम में जाकर उनकी सेवा करती थी,
आश्रम को साफ कर देती और फिर चली जाती। मातंग ऋषि जगकर देखते, इतना सुंदर स्वच्छ सेवा कौन सेवा कर रहा है, लेकिन किसी को नहीं पता है। आज तो आदमी थोड़ी सी सेवा कर देता है तो कितना हल्ला करता है, हमने ये किया ये किया ये किया। देवी शबरी रोज सेवा कर रही हैं, लेकिन यह लोग जगे उनके पहले दौड़कर चली जाती है। परेशान हो गए कि ये सेवा कौन कर रहा है। अंत में एक दिन मातंग ऋषि ने पकड़ लिया और शबरी निवेदन करने लगी कि मैं इस प्रकार पशुओं की रक्षा करने के लिए घर से निकल चुकी हूं। मातंग ऋषि ने अपने आश्रम में एक छोटी सी कुटिया दे दी, देवी शबरी रहने लगी और महात्माओं की सेवा करने लगी। सेवा करते 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 एक दिन ऐसा आया, मातंग ऋषि की मृत्यु हो गई। मृत्यु के समय देवी शबरी रोने लगी, विलाप करने लगी। मातंग ऋषि को कहने लगी, ऋषिवर गुरुजी आप मुझे छोड़कर मत जाइए, आप चले जाओगे भगवत कथा कौन सुनाएगा, मैं किसकी सेवा करूंगी। मातंग ऋषि ने मरते समय इतना ही कहा था कि हे शबरी, शबरी मुझे तो आज भगवान के पास जाना पड़ रहा है, आज मेरी मृत्यु है और मुझे इस संसार को छोड़कर, इस आश्रम को छोड़कर भगवान के पास जाना पड़ रहा है, लेकिन देवी तुमने अपने जीवन में महात्माओं की सेवा की है, संतों की सेवा की है, भक्तों की सेवा की है, इसलिए तुम्हें भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं, एक दिन भगवान चलते चलते तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हें दर्शन देंगे। इतना कह के मातंग ऋषि ने अपने प्राण त्याग दिए। शबरी को अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास था। शबरी दूसरे दिन सुबह, क्योंकि गुरुजी ने कहा है भगवान आएंगे, शबरी जंगल से फल फूल तोड़कर लाती, मार्ग को सजाती, भगवान के आने की पूर्ण तैयारी करती और सुबह से लेकर बैठ जाती कि अब मेरे प्रभु आएंगे, अब मेरे प्रभु आएंगे। परंतु भक्तों संध्या हो जाती, भगवान का दर्शन न होता। दूसरे दिन उसी चाव से उसी उत्साह से देवी शबरी वन में जाती, फूल फल तोड़कर लाती, मार्ग सजाती, भगवान के आने की तैयारी करती, राह देखती। सुबह से लेकर राह देख रही हैं परंतु भगवान नहीं आ रहे हैं। भक्तों इंतजार की घड़ी कितनी कठोर होती है ये तो जिन्होंने इंतजार किया है वही जानते हैं, और उसमें भी भगवान का इंतजार। जब कृष्ण से प्रेम हो जाता है और कृष्ण नहीं आते हैं तब हृदय में कितना कष्ट होता है वह तो एक भक्त ही जान सकता है, संसार के लोग क्या जाने। भगवान का विरह क्या होता है। कल श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव था। चैतन्य महाप्रभु ज्यादा वर्ष तक इस पृथ्वी पर नहीं रहे, महाप्रभु मात्र 48 वर्ष तक इस धराधाम पर रहे और अपने जीवन का अंतिम समय उन्होंने जगन्नाथपुरी में बिताया। जब श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहते थे, एक दिन जगन्नाथ मंदिर में पहुंचे, जगन्नाथ जी का दर्शन करके मूर्छित होकर गिर गए। वहां पर एक बहुत बड़े संत रहते थे जिसका नाम था सार्वभौम भट्टाचार्य। चैतन्य महाप्रभु को उठाकर अपनी मौसी के घर पर लाए, जिस घर का नाम है गंभीरा, आज भी वो स्थान है। अपने अंतिम जीवन में चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि राधा रानी के भाव में थे, श्रीमती राधा रानी का भाव था, तो राधा भाव में कृष्ण का विरह हो रहा था। उस गंभीरा में चैतन्य महाप्रभु के विरह की अद्भुत कथा है। कविराज गोस्वामी एक ओर से आंखों से अश्रु की धारा बहती है और एक ओर से कलम चलाते हैं, चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में जब कृष्ण का विरह हुआ,
कृष्ण की राह देखते थे, कब कृष्ण आएंगे, कब मिलेंगे, कब मिलेंगे। कृष्ण के नहीं आने पर महाप्रभु के हृदय में बड़ा कष्ट होता था। उनके मुख में एक ही रटन था, कहां जाऊं कहां पाऊं ब्रजेंद्र नंदन, मैं कहां जाऊं कहां प्राप्त करूं ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर को। हृदय बहुत दुख लाग बीत गयो दिन भजन बिना, हृदय में बड़ा कष्ट होता था, दुख होता था। जीवन का लंबा समय बीत गया, संसार से वैराग्य नहीं हुआ, भगवान से अनुराग नहीं हुआ। अब जब इस शरीर से कृष्ण का दर्शन नहीं हो रहा है तो यह शरीर रखने की क्या आवश्यकता है। जरूर जाओ सो जीवन जान की नाथ, जे जग में तुमरो बिन भय। कृष्ण के विरह में तो यह शरीर जल जाए यही बेहतर है। कृष्ण के विरह में चैतन्य महाप्रभु अपने मस्तक को उस गंभीरा की दीवार के साथ पटकते थे, बोले इस शरीर से भगवान का दर्शन नहीं हो रहा है, ये शरीर कोई काम का नहीं है। अपने शरीर को उस खंबे के साथ पटकते थे और उस चिन्मयी देह से खून की धारा बहने लगती थी। चैतन्य महाप्रभु का विग्रह खून से लथपथ हो जाता था और हा कृष्ण कृष्ण कोई पुकारते, कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे, बस कृष्ण का ही रटन। जिसके हृदय में कृष्ण से प्रेम हो जाता है और जब कृष्ण की राह देखते हैं, कब आएंगे कृष्ण। आज देवी शबरी उसी प्रकार भगवान की राह देख रही है, परंतु भक्तों उत्साह कम नहीं हो रहा है। धीरे धीरे करके अनेकों दिन अनेकों वर्ष बीत गए, लेकिन फिर भी शबरी उसी चाव से, उसी भाव से, उसी उत्कंठा से, उसी लालसा से रोज वन में जाती हैं, फल फूल तोड़कर लाती हैं, मार्ग को सजाती हैं और अब मेरे भगवान आएंगे हैं, राह देखती हैं। शबरी के बदले हम और आप होते हैं तो दो पांच दिन, ज्यादा से ज्यादा दो पांच महीने राह देखते और फिर सोचते गुरु भी झूठा भगवान भी झूठा, कोई नहीं आ रहा है। लेकिन रूप गोस्वामी ने उपदेशामृत में बहुत सुंदर शिक्षा दे दी, उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तनात संग त्याग सतो वृत्ते षडभिर् भक्ति प्रसिद्ध्यति। कृष्ण की भक्ति करने का निश्चय होना चाहिए और उत्साह भी होना चाहिए, परंतु साथ ही साथ धैर्य होना चाहिए, मिलेंगे भगवान, बस हमें भजन करना है। देवी शबरी रोज भगवान की राह देखती थी। गुजरात के संतों ने बहुत सुंदर गाया है, सूरज उगे ने मारी उगती रे आशा, संध्या ढले ने मन मलती निराशा, रात दिवस हूँ तो जो तारी मारी जो पड़िए आओ मारा राम, मन नो मोर लियो रटे तारू ना, मारी जो पड़िए आओ मारा राम, एक बार आवी पूरो हैया तेरी हाँ, मारी जो पड़िए आओ मारा खड़िए मने ओछू देखाय छे, आइए ओछू देखा
हारे या खड़िए मने ओछू देखाय छे दर्शन विना मारू दिल डू दुभाय छे दर्शन विना मारू दिल डू दुभाय छे नहीं रे आवो तो वाला जाशे मारा प्राण मारी जो पड़िए आवो मारा राम मन तो मोरा लियो रटे मारू नाम मारी जो पड़िए आवो मारा राम एक बार आवी पूरो हया केरी हाँ मारी जो पड़िए आओ मारा देवी शबरी प्रतिदिन भगवान श्री रामचंद्र के आने की राह देखती थी सुबह से लेकर शाम तक देखती थी भगवान से प्रार्थना करती है प्रभु प्रभु अब तो बुढ़ापा आ गया अब तो ठीक से आंखों से देखा भी नहीं जा रहा है प्रभु अब तो आइए अब तो दर्शन दे दीजिए प्रभु अब की बार आपने दर्शन नहीं दिया ना तो मेरी लाज क्या रहेगी मेरे प्राण निकल जाएंगे प्रभु आप आइए आप दर्शन राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम भाव से राजा राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 राजा राम राम प्रेम से राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम संसार में जब जब भक्तों ने भगवान को पुकारा है भगवान भले देरी से आए लेकिन आते अवश्य कृष्ण का काम थोड़े मुंबई की पुलिस जैसा है कभी भी आती है तो घटना के बाद ही आती है भगवान राम आए ढूंढते हुए पता नहीं है देवी शबरी कहां रह रही है अनेकों लोगों को पूछते हुए शबरी कहाँ रहती हैं
शबरी कहाँ रहती हैं? ढूंढते 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 भगवान देवी शबरी के आश्रम में आ गए। रघुपति राघव